हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अलीमा ब्यूटी रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ है। तो फ्रेंड, आज जो मैं शेयर कर रही हूँ वो स्किन से रिलेटेड है। जो अभी समर का टाइम है, सबको पता है कि समर में हमारा स्किन कितना डल हो जाता है, सन टैन पड़ जाते हैं और हमारे स्किन में क्लीन करने के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो बहुत ही ईजी वे में आप अपने स्किन को नेचुरली तरीके से क्लीन कर सकते हैं, अपने सन टैन को रिमूव कर सकते हैं और जस्ट आपको एवरी डे से यूज़ करना है। अगर एवरी डे नहीं टाइम मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। इसे किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं है फ्रेंड। एटलीस्ट 10 मिनट अगर आप अपने स्किन के ऊपर रखेंगे इसे, तो बहुत ज़्यादा आपको आपका स्किन बहुत अच्छा ग्लो हो जाएंगे और नेचुरली तरीके से एक शेड, आपका जो नेचुरल शेड है वो शेड में आ जाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड, इसे करना क्या है कि जस्ट आपको एक लेना है हनी। तो हनी फ्रेंड, सबको पता है कि हनी, ये हनी है आज़ार से डाबर, सॉरी बाज़ार में ये है डाबर हनी और बाज़ार में बड़ी ईजिली ही आपको मिल जाते हैं। तो आप अपना कोई भी, जो भी आपका पसंदीदा हनी हो वो आप ले लें। तो मैं डाबर का ही यूज़ करती हूँ, अगर आपके पास कोई ओरिजिनल हनी है तो और बेस्ट होगा। तो फ्रेंड, हनी लेनी है और हनी आप उतना ही ले जितना आपके फेस में ज़रूरत है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग से ही ले रही हूँ, मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ क्योंकि जस्ट फेस के लिए चाहिए। और अगर आप चाहे तो अपने हैंड में और पैरों में भी लगा सकते हैं इसे, जो आपका हाथ और पैर है वो बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। प्लस के जो भी आपका प्रॉब्लम होगा स्किन के ऊपर, धूल मिट्टी जमे होंगे वो रिमूव कर देंगे। और इसके साथ तो चलिए फ्रेंड, हनी जो है सबको पता है कि इसके शाइन करने में, चाहे आप हेयर में लगाएं या अपने फेस में लगाएं, ये शाइन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है हमारे स्किन को और नेचुरली तरीके से जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसे मार किल कर देता है। और उसके बाद ये क्या करता है कि टोटली मॉइस्चराइज कर देता है हमारे स्किन को। और इसके साथ जो मैं मिक्स करने वाली हूँ वो है फ्रेंड लेमन। तो सबको पता है कि लेमन में जो है इतनी पावर होती है कि जो भी हमारे स्किन के ऊपर बैक्टीरिया, अनचाहे बैक्टीरियाज होते हैं उसे रिमूव मार देते हैं और हमारे स्किन में जो पिंपल्स होते हैं उसे भी रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। प्लस के हमारे जो सनटैन बनते हैं उसे भी बहुत ईजी तरीके से ये कट कर देता है। तो फ्रेंड, आप हनी और इस लेमन में सिर्फ जस्ट 2 से 3 ड्रॉप या फिर इतनी सी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना फेस पे आपको लगाना है उसी हिसाब से मैं ज़्यादा बोलूँगी कि 3 से 4 ड्रॉप ही आप ले लें और लेने के बाद आप हनी में मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने ले लिया है और इसे अच्छे तरीके से दोनों को ब्लेंड कर लें। और ब्लेंड करने के बाद फ्रेंड क्या करें, जस्ट इसके अपने पूरे फेस पे लेकर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आप इसे मसाज करें। तो फ्रेंड, मसाज करने से क्या होगा कि हमारा स्किन एवरी डे अगर आप इसे करते हैं तो हमारा स्किन धीरे धीरे जितने भी टैन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, जितने भी डल स्किन होंगे वो धीरे धीरे निखर जाएंगे और प्लस के हमारे जो स्किन में पिंपल्स वगैरह होते हैं उसे भी इजीली रिमूव करने में बहुत पावरफुल है। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या करना है कि आपको इसे लेनी है अच्छे तरीके से और पूरे अपने फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप एटलीस्ट 5 मिनट्स छोड़ दें और 5 मिनट्स छोड़ने के बाद, 5 से 10 मिनट्स अगर आपके पास टाइम है तो इसे छोड़ दें। छोड़ने के बाद क्या करना है फ्रेंड, सर्कुलर मोशन में आपको पूरे फेस में अच्छे तरीके से लाइट हैंड से मसाज करनी है। तो मसाज करने से आपका जो भी स्किन में डलनेस है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे और बहुत अच्छे से जो भी गंदगी होगी वो निकाल देंगे और हमारा जो स्किन है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसे अगर आप एवरी डे मॉर्निंग में कर ले या नाइट में सोने से पहले कर ले फ्रेंड, तो आप देखेंगे 1 वीक के अंदर ही आपका जो स्किन है बहुत ही अच्छा ग्लोई और ग्लोइंग हो जाएंगे और बहुत अच्छा फेयर हो जाएंगे। तो आप अगर इसे डेली यूज़ करते तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेली नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं जो भी लेकर आती हूँ नेचुरली तरीके से ही लाती हूँ कि आपका स्किन बहुत जल्दी कम टाइम में कैसे नेचुरली वे में आप अपना स्किन को अच्छा कर सकते हैं और कोई ज़्यादा इसमें खर्च नहीं है। तो ये बहुत अच्छा रेमेडीज़ है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। ओके, बाय बाय।